फंतरू, मेरा फंतरू कहाँ गया? फंतरू, तुम मुझसे 10 कदम दूर रहो। जो हुकुम मेरे आका। आका, मेरे तो कदम है ही नहीं, तो मैं कदम कैसे गिनूंगा? तुम्हें जैसे गिनना है गिनो, लेकिन मुझसे दूर रहो। जो हुकुम मेरे आका। फुंत्रू, फुंत्रू। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। जब से ये मिला है तब से मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूं। अगर ये साथ मेरा तो इस रेगिस्तान से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। ये चिराग का जिन है। चिराग और जिन को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन अब तुम्हारा है। माफ करना उस्ताद जी, मैं आपके बात के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे चिराग और जिन को अलग करना ही पड़ेगा। मैं अपने साथ चिराग लेकर जा रहा हूँ, जिन को नहीं। और वैसे भी उस शरीफ आदमी ने मुझे चिराग का पूरा सच कहाँ बताया था? उसने तो सिर्फ चिराग मंगवाया था ना, जिन थोड़ी ना मंगवाया था। उसे चिराग मिलेगा, मैं उसे चिराग दूंगा, अशर चलूंगा और हवा हो जाऊंगा। ये सही है रदी। यह है शानदार टमाटर, रईसों की निशानी। इसे आप ले जाएं, आपके पड़ोसी आपसे चलने लगेंगे, मोहल्ले में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग कहेंगे खानदानी रईस। इस टमाटर की बोली शुरू होती है अब 10 अशर्फियाँ। 11 अशर्फी, 12 अशर्फी। कसम सोने की अशर्फियों की, रशी टमाटर वाले ने अभी अभी एक टमाटर 12 अशर्फियों में बेचा। मिल गई। कसम सोने की अशर्फियों की, टमाटर मोतियों के भाव बिक रहे हैं। मुझे तो डर है कुछ दिनों में टमाटर के दाम इस दुकान की नायाब चीजों की कीमत एक बराबर ना हो जाए। पता नहीं ये टमाटर के दाम आसमान कैसे छूने लगे। क्या जल रहा है? तुम ओ, नहीं मतलब तुम कढ़ाई पे कुछ चढ़ा के चली आई। अम्मी, अम्मी, हाँ मेरी लाल, अम्मी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी अम्मी। अभी लाई। चौबीस घंटे खाना खाना कुछ करता है नहीं। सुनो, इधर आओ। मगर आका, तुम्हीं ने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे 10 कदम दूर रहना। तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना? हाँ, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत कीमती चीज है, वो मुझे मिल नहीं रही है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। बताओ क्या है वो चीज? मेरा भेजा नहीं मिल रहा मुझे कहीं। अच्छा, मैं अभी ढूंढ के आता हूँ। चीनी, चीनी, चीनी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, ये भेजा क्या होता है? एक चीज होती है, हाँ? जो तुम जैसे लोग साथ रह के जल जाती है, भुन जाती है, हो जाती है। ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूँ। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? मेरे ख्याल से भेजा मैंने गुफा के पास देखा था, तुम वहां जाके ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जो हुकुम मेरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा। गया, अब आराम से ढूंढ सकता हूँ। कल जुम्मा है और शर्त के मुताबिक मुझे हर हाल में कल रात से पहले ये चिराग बगदाद पहुंचाना है, वरना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अम्मी खाना। हाँ बच्चे लाई। अम्मी टमाटर मिलेगा क्या? हाँ मेरी लाल, क्यों नहीं मिलेगा, मैं भी लूंगा। सुबह से आराम कर करके थक गया हूँ, अब खाना खा के फिर आराम करूंगा। अम्मी टमाटर लाओ। ला रही हूँ। टमाटर
बेगम अल्लाह की नाम पिटी रे बाबा वाह अम्मी वाह हम भी कितने रईस हैं रोज टमाटर के साथ रोटी खाते हैं मैं भी सूंघ लूं टमाटर शुक्र मानो कि मैं तुम्हें टमाटर के बारे में सोचने देती हूँ सूंघेंगे सोचो जब टमाटरों के दाम सुनने के बाद हम अमीरों की ये हाल हो रहे हैं तो रुखसार जैसे गरीब तो टमाटर की शक्ल देखने को तरस गए होंगे चलो चलो सब संभाल कर अंदर रख दो हाँ अरे देखो टमाटर गिर गए तो खराब हो जाएंगे ठीक से पकड़ो ना वल्ला वल्ला कसम सोने की अशर्फियों की टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं तुम एक बोरा भर के टमाटर लाई नाज़नीन भाभी अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है ना उसी के लिए लेकर आई हूँ मैंने मन्नत मानी थी कि अलादीन का काम जब चल पड़ेगा तो पूरे मोहल्ले की दावत करूंगी आप लोग भी आइएगा वो तो आएंगे पर इतने टमाटरों का करोगी क्या अलादीन को टमाटर बहुत पसंद है सब कुछ उसी की पसंद का बना रही हूँ टमाटर पनीर टमाटर कोरमा टमाटर मखनी टमाटर तंदूरी टमाटर की खीर टमाटर के पराठे टमाटर के कोफ्ते सब कुछ टमाटर का आखिर हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से जो है अरे हाँ नाज़नीन भाभी मैं तो भूल ही गई ये आपके लिए लाई थी टमाटर थोड़े से और चाहिए हो तो ले लीजिएगा संदूक में रखने हैं टमाटर संदूक में रखने हैं देख ही रुखसार किया कर जाने अलादीन कहां से इतनी दौलत टमाटर मेरा मतलब है कमा कर ला रहा है या कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया वल्ला वल्ला बस अम्मी तेरा इंतजार खत्म हुआ मैं आ रहा हूं अम्मी समय से आ जाना देर मत अरे पिंदी आ जाना अच्छा मैं तो मिल गई कल दावत है घर पर आना जरूर हाँ दावत अलादीन लौट कर आ रहा है ना कल पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया मैंने तू भी याद से आ जाना खाला जन मुझे माफ कीजिएगा मैं कल नहीं आ पाऊंगी क्यों वो बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से लौट रहे हैं ना तो महल से निकलना नामुमकिन हो पाएगा तू और तेरे महल के काम कभी फुर्सत निकाल कर घर आना हाँ मैं तो आपकी घर में हमेशा के लिए आने को तैयार बैठी हूँ खाला लेकिन ये अलादीन कुछ नहीं करता क्या सोचने लगी कुछ नहीं चलती हूँ शाबाश अलादीन बस थोड़ी दूर और मैं उस जिन को भी छोड़ आया और चिराग भी ले आया ये। हा।
बहुत भूख लगी है, कम से कम 10 कबाब तो खाऊंगा। बगदाद, मैं आया। मुश्किल तो तूने खुद खड़ी की है, हमारे वफादार लोगों को इनकार करके अपने टमाटर बेचने के लिए। अब आए हो हमारी हवेली पर तो सजा तो मिलेगी। माफ कर दीजिए हुजूर। सूबेदार अकबर, बताएं जरा बाजार के क्या हाल हैं? जी, ये चौकीदार आपको क्या बताएगा, हम आपको बताते हैं। बाजार से टमाटर गायब हो गए हैं जीजू, और टमाटर की कीमतें ऐसे लग रहा है जैसे छत पे चढ़ गई हूँ। और जीजू, लोगों के अंदर महंगाई के खिलाफ बहुत गुस्सा है। शहजादी, बाहर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एक तो बगदाद में महंगाई बढ़ रही है और हमारे बादशाह हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। यकीन है हमें हमारे अब्बा हुजूर पर कि वो इस बार भी अपना शाही खजाना खाली कर देंगे ताकि बगदाद में कोई भूखा ना सोए। बादशाहों की रहमदिली लोग अक्सर भूल जाते हैं, और उन्हें याद रहती है तो बस उनकी तकलीफ। और यही हम चाहते हैं, 20 साल पहले उनके बहुत वफादार थे, लेकिन 20 सालों से हमने भी मुच्छड़ बनकर ऐसा जुल्म किया कि उम्मीद नहीं है कि अब उनके ज्यादा वफादार होंगे। ये महंगाई बगदाद की तकदीर बदल देगी जीजू। बाजार में महंगाई अगर हद से बढ़ जाए तो उसकी कीमत बादशाह को ही चुकानी पड़ती है। कीमत तो उस मुच्छड़ को चुकानी होगी, लोगों पर जुल्म करने की कीमत, हमारे अब्बा हुजूर को परेशान करने की कीमत, एक एक चीज की कीमत। अब आप क्या करेंगी? हम अब्बा हुजूर को उस मुच्छड़ के बारे में बता देंगे, फिर हमारे अब्बा हुजूर उस मुच्छड़ को एक मामूली चूहे की तरह पिंजरे में डालेंगे और बगदाद के चौराहे पर उसे सजा देंगे। सजा तो हम देंगे हर एक उस ईमानदार किसान को जिसने हमें टमाटर बेचने से इनकार किया। ऐसी सजा जो मिसाल बन जाएगी। कल वो जिन और बगदाद का तख्त दोनों हमारे होंगे। वाह, जन्नत। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। यहाँ मटकों के पीछे आका अलादीन नाम तो सुना होगा। इधर आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां से ये क्या है? तुम्हारा भेजा। बेवकूफ, ये मेरा भेजा नहीं है, कूड़ा है, कबाड़ है, करकट है। हो, इसे कूड़ा करकट कबाड़ मत कहो, सड़ा गला जैसा भी है तो तुम्हारा भेजा, और अपनी चीज लेने से कोई मना नहीं करता, इसलिए लो। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। इसका मतलब उस्ताद जी ने सही कहा था, चिराग और जिन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अरे मेरे प्यारे अलादीन, महंगाई आजकल कितनी बढ़ गई है। टमाटर आजकल सोने के भाव बिक रहे हैं, और बादशाह सलामत रहे कि हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें तो कोई हमारी फिक्र ही नहीं है।
वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बगभाग में तुम और तुम्हारी अम्मी जैसे लोग हैं। बेटे की तुम करेला शहद बनकर क्यों बोल रहे हैं? तुम चुप रहो ना। आप ये तुम्हारा दोस्त कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। जिन, जिन, जिन? जिनू, जिनू है, जिनू। घर में सभी से प्यार से जिनू बुलाते, बाहर से आए ना इसलिए। तुम्हारा दोस्त अलादीन कमाल का लड़का है। हाँ, ऊपर वाला इस पर रहमत बनाए रखे। चलो। अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया। वो वही रही है, हम लोग जा रहे हैं, हमें देर हो रही है ना। हाँ शुक्रिया। हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया। पीछे पीछे ये क्यों? अकाला दिन नाम तो सुना होगा। अब तुम ऐसे नहीं घूम सकते। क्यों? ऊपर वाले ने मुझे इतना हुस्न दिया है, इतना तबसिन बदन दिया है, इतने खूबसूरत पैर। चीनी, चीनी, चीनी। अरे पैर तो मेरे हैं ही नहीं। हुँ? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जिन है। कुछ ही घंटों की बात है, फिर तो मैं इस जिन को उस शरीफ आदमी को सौंप दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे इस जिन को अपने घर पे छुपाना होगा। वो? तुमने कुछ कहा अकाला दिन नाम तो सुना होगा? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अच्छा अच्छा। आज जुम्मे की रात है, अम्मी जुम्मे को खरीदारी के लिए निकलती है। मैं इसे कुछ घंटों के लिए अपने घर में छुपा दूंगा। आधी रात होते ही मैं इसे शरीफ आदमी को सौंप दूंगा और 10,000 अशर्फियां ले लूंगा। हाँ, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं ले जा सकता। मैं भी आता हूँ। हाँ। इधर आओ। बीबी छा गई गरीबी, कितने अच्छे कपड़े हैं। अलादीन, रहीम चाचा, मैंने आपका पैसा 2-3 दिन में लौटा दूंगा। अरे बेटा, पैसे किस केले के छिलके को चाहिए? हम तो आपसे पूछ रहे थे कि आपको केले तो नहीं चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। ले लीजिए, पैसे बाद में आ जाएंगे। लीजिए। हाँ ठीक है, ले जाइए। वाह शुक्रिया। बेटे अलादीन, दूध दही छाछ कुछ लोगे? जी नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पीना। बाबा बाद में, बाबा बाद में, बाद में, बाद में। हाँ तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा। सबको क्या हो गया है? वो सब्जी वाला, वो तो अपनी शादी में भी नहीं हंसता। आज वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और वो दूध वाला, उसका तो नाम ही मैंने मनोज खान रखा, वो भी देखकर मुझे हंस रहा था। खैर शुक्र है किसी ने तुम्हें नहीं देखा, ये अच्छी बात है। चलो चलो। खेलो खेलो खेलो, चलो ये लीजिए। आज पूरा मोहल्ला मेरे घर में, कितनी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर। ये लो, मेरी आंखों का तारा, मेरा अलादीन आज वापस आ रहा है। मैं हमेशा से जानती थी मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारा उधार कब तक चुकाएंगे?
कर दी ना छोटी बात। हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है, अपना क्या, किसी और से तुमने उधार लिया तो वो भी बता दो, वो भी चुका दूंगी मैं। एक काम करो रुखसार, कुछ अशर्फियां इसके मुंह पे दे मारो, तब चुप बैठेगा ये। माफ कीजिएगा हमें, हमें आपको पहचानने में गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे खानदान से हैं। शीर कुरमा भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। शीर कुरमा भी है, कुछ तो गड़बड़ है, ये माँ बेटे कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पता करना पड़ेगा। ये अलादीन अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं। बेटे की तुम, ये मोहल्ले वाले मेरे घर में क्या कर रहे हैं? नई चादर, नए कपड़े, नए कालीन वालीन, ये सब, ये घर तो मेरा ही है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग हैं यहाँ पे, इससे पहले कोई जिनको देखे, मैं इसे घर से बाहर ले जाता हूँ। चलो चलो। वो देखो आ गया, वो देखो मेरा अलादीन आ गया, मेरा अलादीन। मुझे इसे सबसे छुपाना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।